नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अप ऑन द व्हील्स यूट्यूब चैनल पर। तो कल हमने रात इसी गाड़ी में बिताया था यहीं पर, लेकिन रोड से थोड़ा दूर लगाया था गाड़ी, हमने इस साइड लगाया था यहाँ पे कुछ। कल हमने घूमा बहुत था, पूरा सिटी पैलेस घूमा हमने, पिचौला लेक घूमा और दो चार और जगह घूमा। उसके बाद हम यहाँ तक आए ड्राइव करके, तो काफ़ी थक गया था मैं। तो हम दोनों काफ़ी अच्छे से रात को सोए, नींद भी बहुत अच्छा आया और आज सुबह उठने में भी काफ़ी लेट हो गया। तो अब हम बेड को वापस से फोल्ड करते हैं। मैं बेड को हमेशा फोल्ड कर देता हूँ रात के बाद, क्योंकि हम अभी कंटिन्यू गाड़ी में ही सो रहे हैं। गाड़ी में सोते हुए हमें बहुत दिन हो गया है, तो बेड को फोल्ड कर देने के बाद पिछले वाले सीट पर बहुत सामान रख भी सकते हैं हम, और कभी किसी को ऐसे ही आराम करना है तो कर सकते हैं बिना बेड के भी। और एक और काम हो जाता है कि अगर हमें कभी पुलिस वालों ने रोका तो उन्हें ये एक नॉर्मल गाड़ी लगती है, ना कि कैंपर वैन लगता है, तो हमसे ज़्यादा सवाल जवाब पूछते नहीं। स्टिल इंडिया में अभी भी कैंपर वैन कॉमन नहीं है, बहुत ही कुछ लोगों के पास है, गिनो चिनो के लोग के पास है, और उनको ही मालूम है कि क्या परेशानी होती है। वैसे तो अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, गाड़ी में जो बेड है वो भी काफ़ी बड़ा है, 6 फीट का है, तो हमें सोने में तो कोई दिक्कत नहीं होता। और थोड़ा बहुत हमें सामान को बस आगे वाले सीट पर रखना पड़ता है, ड्राइविंग सीट हम हमेशा फ्री रखते हैं, को पैसेंजर वाले सीट पर थोड़ा बहुत सामान एडजस्ट करना पड़ता है, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होता। कल रात को ही हमने राजस्थान बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे और आज अभी हम गुजरात में हैं, सोए भी गुजरात में ही थे। तो अभी डीजल लेते हैं, डीजल गुजरात में थोड़ा बहुत सस्ता है राजस्थान से, फिर स्टिल यहाँ भी कुछ 85 के आसपास है शायद। तो अभी डीजल लेते हैं और फिर आगे को निकलेंगे। आज हम जा रहे हैं रानी की वाव, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 2014 में उसे घोषित किया गया था। और पहले डीजल भरवाते हैं फिर जाएंगे। फास्टैग आने के बाद जो टोल पे लंबी लंबी कतारें लगती थी, कम से कम अब उससे छुटकारा मिला हमें, काफ़ी स्मूथ प्रोसेस हो चुका है। तो डीजल लिया हमने कुछ 6437 रुपये का डीजल आया हमारा पूरा। अगर यही डीजल हम राजस्थान में लेते तो 200 रुपये ज़्यादा लगता, बस इतना का ही फ़र्क आता, लेकिन वो भी 200 बचा के ना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, अरे यार कितना बड़ा काम कर लिया। अभी हम आ चुके हैं रानी की वाव, यहाँ पे टिकट लेते हैं, गाड़ी को पार्क कर दिया है और अंदर चलते हैं। हम लोग अभी आ चुके हैं रानी की वाव, यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट है बहुत ही अच्छा है, अद्भुत है, एक बार आके तो ज़रूर देखने लायक है। बहुत सालों तक ये बाढ़ के कारण मिट्टी में दबा हुआ था, क्योंकि ये 7th फ्लोर का है, 7th फ्लोर नीचे ग्राउंड में है, अंडरग्राउंड में। तो आप नीचे जाते हो, नीचे एक कुआँ है, इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था और ये बहुत सालों तक मिट्टी में दबा रहा। यहाँ पर वाटर लेवल देखा गया है कि वाटर लेवल यहाँ पर नहीं है, जिसके कारण ये रानी का वाव यहाँ पर क्रिएट किया गया है। और इसके साइड में एक कुआं है, जो बारिश का पानी जब इस पर बारिश पड़े तो वो जा कर के साइड के कुएं पे जा कर के स्टॉक हो जाए वाटर। यहाँ पर पानी का लेवल है ही नहीं, जिसके कारण ये रानी का वाव निर्माण कर रहा है। वाटर लेवल कम होने के कारण ही वह यहाँ पर रानी का वाव बनाया गया, क्योंकि ये बहुत ही नीचे डीप है, 7th फ्लोर का है ये। अभी ऊपर का 1 फ्लोर टूट चुका है, तो अभी भी 6th फ्लोर बचा हुआ है। तो क्योंकि ये बारिश के पानी से बहुत साल तक बाढ़ में दब गया था, तो बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे पता किया ये यहाँ पे कुछ है, उन्होंने फिर इसको निकाला, जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा था उसको बनाया। अगर आप वाव को डिक्शनरी में सर्च करोगे तो इसका मतलब होता है स्टेपवेल कुआँ, लेकिन ये कुआँ से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। यहाँ पे 800 से ज़्यादा स्कल्पचर हैं हिंदू देवी देवताओं के, और ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। यूनेस्को ने 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा। से ये एक मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्ति भी हैं, और वो भी डाउन जाते हैं, मतलब आप 7th फ्लोर नीचे जा रहे हो ज़मीन के अंदर।
ये महिषासुर मर्दिनी का बहुत ही अच्छा स्कल्पचर है जो कि स्टोन कार्विंग किया हुआ है, वो भी 11वीं शताब्दी में। मुझे नहीं लगता अभी के टाइम में ऐसा कोई कला बचा भी है। आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस, दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई हैव बीन टू ताजमहल एंड वन थिंग इज कॉमन इन बोथ, बोथ ऑफ आर साइन ऑफ लव। बट ताजमहल को राजा ने बनवाया था और रानी की वाव को रानी उद्यामती ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। रानी उद्यामती ने बहुत सारे देवी देवताओं के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी अप्सराओं के भी स्कल्पचर बनवाए हैं। यहाँ पे जो एक एक पिलर है उस पे भी इतने अच्छे से कलाकृति किया हुआ है, इतना बढ़िया स्टोन कार्विंग किया हुआ है कि वो भी आपको अमेज कर सकता है। एक पत्थर को यहाँ पे इतना अच्छा रूप दिया गया है, इतनी अच्छी कलाकृति है, आप खुद से देखिए। वो वेल है यहाँ पे जो ऊपर से कुआं दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, 7th floor down, अमेजिंग, बिल्कुल अमेजिंग है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये अभी तक बचा है। अगर ये बाढ़ के कारण मिट्टी धूल से दबा ना होता और इसका लोगों को पता होता तो शायद कोई ना कोई विदेशी आक्रांता इसे तोड़ दिया होता बाकी भारतीय धरोहरों के ऐसा। यहाँ आकर घूमकर मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने पूर्वजों के बारे में थोड़ा सा इनसाइट मिला कि क्या सोचते थे वो, क्या बनाते थे, कैसे रहते थे। सो अगर आप घूमने के शौकीन हो तो आप एक बार यहाँ ज़रूर आइए। तो अभी हम पाटन ज़िले से निकल रहे हैं, हम जाने वाले हैं भुज, और बीच में हमें ये गाय मिली, इसके सिंग बहुत लाजवाब है। रुका तो था मैं इस खेत के लिए, लोकल से पूछने के बाद पता चला ये आरंडी का खेत है और इससे तेल वेल निकलता है जो हम बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं। हमारे साइड ये होता है, हमें उस पर ध्यान भी नहीं देते हम लोग बिहार में। ये है इसका बीज जिससे कि तेल निकलता है। ज़्यादा ही मीठा ये बैग। वी हैव स्टॉप्ड हियर फॉर लंच और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अगली व्लॉग में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।